हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक कोर्स के बारे में, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, आपको यहाँ पे बेसिकली किस तरह से बेसिक नॉलेज जितनी भी होती है इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में अंदर क्या है, आपको किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या आपकी सैलरी होगी, आगे चल के आपकी क्या जॉब टाइटल होगा, किस तरह से आपको जॉब मिलेगी, कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस न कर पाए, क्योंकि आप कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस कोर्स से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, तो ये कोर्स में बहुत ही अच्छी चीज है ये कोर्स, मतलब कि इस टाइम पे अगर आपने ये कोर्स कर लिया आज के टाइम पे, तो ये आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या ये चीज पता है। हो सकता है कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आपने कभी अपने कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़खानी की है, मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट किया है क्या आपने? कई लोगों ने किया होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो जनरेशन है हमारी वो बहुत तेजी से कंप्यूटर की तरफ भाग रही है, फोन की तरफ, मोबाइल की तरफ, गेम की तरफ बहुत तेजी से भाग रही है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप यहीं पे वीडियो रोक के इसका आंसर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है वो, तो क्वेश्चन हमारा सिंपल से ये है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो किस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि किस तरह से दो कंप्यूटर के में हम डाटा शेयरिंग करते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि किस तरह से दो कंप्यूटर हमारा इंटरलिंक होते हैं? अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए हमारे जाके फटाक से कि हमें यह सारी चीजें पता है कि इस किस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं और इसके कई सारे आंसर हैं, लेकिन इसका जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो आंसर ये है कि आपको इस कोर्स को करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस कोर्स को करेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से दो कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक होते हैं, दो किस तरह से आपकी जो डाटा शेयरिंग होती है, किस तरह से आपको जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस कोर्स के बारे में। अब तो यहाँ पे दो तरह के कोर्स आ जाते हैं, एक तो नेटवर्किंग हो गया आपका और एक हार्डवेयर हो गया। ये कोर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर में आपको जैसे पता होगा कि हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपकी जो रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीजें जितनी भी है ये कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या होता है, इसी इन्हीं सब चीजों से मिलकर आपका जो कंप्यूटर होता है वो बनता है, मतलब ये एक तरह से फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के पार्ट से। अगर बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में, तो नेटवर्किंग क्या होती है यहाँ पे? नेटवर्किंग जो होती है वो कंप्यूटर साइंस होती है। वहां पे क्या होता है, जो डाटा एक्सचेंज होता है यहाँ पे, जो डाटा होता है वो एक्सचेंज होता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाती है। तो इस चीज को हम नेटवर्किंग कहते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके दोनों चीजें हो सकती है। आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो केबल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो वायरलेस मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे नेटवर्किंग में दोनों ही चीजें होती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपका राउटर हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे स्विच हो गया, मॉडम हो गया, और यहाँ पे आपका डाटा कार्ड हो गया, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें नेटवर्किंग के डिवाइस के अंदर आती हैं, ठीक है। ये सारा जितने भी ये डिवाइसेस हैं ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर प्रोफेशनल के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो भी चिप हो गई, जो भी आपकी मदरबोर्ड हो गया, सिस्टम हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, ये सारी चीजें जो आती है ये सारी चीजें आती है आपके हार्डवेयर के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस कोर्स के बारे में कि आपको यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे तो काफी सारे कोर्सेज हो जाते हैं आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपके लिए सबसे पहले 10th या 12th क्या कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, और जैसे कि आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स आ जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर काफी सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे कोर्स, ये सारे कोर्सेज के नाम है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स की, तो डिप्लोमा में भी काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं यहाँ पे।
तो अगर हम बात करते हैं अभी यहाँ पे बैचलर कोर्स की, तो बैचलर कोर्स के अंदर भी काफी सारे कोर्सेज हैं, उनको भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये सारे कोर्सेज आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। और या आप ये सारे कोर्सेज जितने भी हैं ये सारे कोर्सेज में देख लीजिए आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन से कोर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप मास्टर कोर्स की बात करते हैं तो मास्टर में भी काफी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं। और लेकिन मास्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मास्टर कोर्स में जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ मास्टर कोर्स करने के लिए और क्या कर सकते हैं आप, कि आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए आपको और आपको अच्छी जगह से, तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ेगा मास्टर कोर्स के लिए, जो कि आप जो आपका गेट नाम का एंट्रेंस होता है वो देना पड़ेगा, या फिर IIT JM दे सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे IISCT दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जितने भी एंट्रेंस ही आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई, आप यहाँ पे सिलेक्ट होके, तो आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं मास्टर्स करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे बैचलर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बैचलर में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सब बहुत सिंपल हो गया है यहाँ पे, कि सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे PCM होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, ये आपके पास होनी। और अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कॉलेज ढूंढिए, अच्छा सा एक कॉलेज ढूंढिए, उसमें आप या तो वो कॉलेज आपका एंट्रेंस करवाएगा या फिर वो आपको मेरिट के हिसाब से ले लेगा, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो आपको कॉलेज अच्छा लगे, जो आपको जिस कॉलेज का आपने नाम सुना उस कॉलेज में आप जाइए, उस कॉलेज में आप पता करिए कि यहाँ पे आपका ये कोर्स होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या आपको यहाँ से जॉब मिल सकती है, क्या यहाँ पे कंपनियां आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कुछ भी, तो सबसे पहले आप चीजों को पता करिए, वहां पे जो बच्चे हैं उनसे पता करिए, और आप जब बच्चे से पता करेंगे उनसे पूछेंगे उनके बाद तो उनसे थोड़ी देर बात करेंगे तो वो बहुत सारी चीजें बता देते हैं आपका। आप एक बार पूछ के देखिए, आप वहां पे जाके देखिए, आप उनकी बात सुनिए, उनसे बात करिए, तब आपको पता चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने प्राइवेट कॉलेज होते हैं यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है, आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा एडमिशन लेने के बाद वहां पे उसके साथ क्या बीतती है, मतलब टीचर आते हैं नहीं आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का टीचर क्या पढ़ा के जा रहा है, कुछ पता नहीं रहता बच्चों को। जब बच्चों के 3 साल कंप्लीट होते हैं, वो डिग्री कंप्लीट होती है, तब उनको पता चलता है कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। आपकी फीस भी बेकार जाती है, आपके बच्चे को जॉब नहीं मिलती, आपके बच्चे को फिर दिक्कतें आती हैं, फिर आप सोचते हो कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं था, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप सबसे पहले पता करिए कॉलेज कौन सा है और कॉलेज किस तरह का है, ये सारी चीजें पता करने के बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जॉब और कैरियर के बारे में, तो यहाँ पे आपके जॉब और कैरियर दोनों ही सिक्योर हैं अगर आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट करा अपना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जॉब बहुत सारी है। आप सबसे पहले तो अगर आपने एक नेटवर्किंग में काम कर रखा है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, आपको अगर हार्डवेयर का कोर्स कर रखा है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको कंप्यूटर ठीक करना है, किस तरह से आपको डाटा शेयरिंग करनी है, किस तरह से कोई भी कंप्यूटर किस तरह से इंटरलिंक करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे इनके अंदर। तो बहुत सारी चीजें काम, बहुत सारी जगह आप जॉब कर सकते हैं, आपको स्कूल में जॉब मिल सकती है, बैंक में जॉब मिल सकती है, ठीक है, आपको किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है, आप खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो, लेकिन आपको किसी भी कोर्स को करना है तो अपना मन लगा करना है और आपको अच्छे से करना है, जिससे कि आपको कोई टक्कर ना दे पाए, कोई आपको वहां फेल ना कर पाए, इस तरह से आप कोई भी कोर्स करिए अगर करिए तो। यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स करिए, आपने अगर मास्टर्स में 2 साल 3 साल जो भी आपने मास्टर्स में दिए हैं, तो आप यहाँ पे अपना किसी भी कॉलेज में जाके आप लेक्चरर बन सकते हैं, और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो आपकी किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपकी अच्छी सैलरी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब टाइटल के बारे में, तो जॉब टाइटल यहाँ पे आपको 2 तरह से बटे हुए हैं। सबसे पहला जो है वो हार्डवेयर का है, उसके बाद आपका नेटवर्किंग का आता है। तो अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर में कौन कौन से जॉब टाइटल है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जॉब टाइटल आपके हार्डवेयर के हैं, ये सारे जितने भी हैं ये सारे जॉब टाइटल आपके हार्डवेयर के हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में, तो नेटवर्किंग के कौन कौन से आपके जॉब टाइटल है, तो नेटवर्किंग के भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जितने भी जॉब टाइटल है ये सारे नेटवर्किंग में आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपकी यहाँ पे ड्यूटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो ड्यूटीज भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे काफी सारी ड्यूटीज आ रही हैं कि आपको ये करना है। अगर हम यही बात करते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, तो अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपने इंटरेस्ट दिखाया है अपना, तो वहां पे आपकी ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है, तो वहां पे आपकी काफी सारी ड्यूटीज आ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं जितनी भी ड्यूटीज है आपकी वो सारी आपके स्क्रीन पे शो कर रही है।
अगर हम वही बात करते हैं आप यहाँ पे कि आपने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर लिया है, कौन कौन सी कंपनी आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी कंपनी आपको जॉब दे सकती है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी तो यहाँ पे आ जाती है आपकी इंटेल आ जाती है, और यहाँ पे आपकी डेल आ जाती है, यहाँ पे आपकी HCL है, यहाँ पे आपकी विप्रो है, यहाँ पे आपकी TCS है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। यहाँ ये जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। और ये कंपनियां इन्हीं जॉब के लिए बनी हुई हैं, और ये कंपनियां इन्हीं लोगों को जॉब देती है जिन लोगों ने ये कोर्स करा होता है। तो जब भी आप ये कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे इन कंपनियों में जाके अपना रिज्यूम दे सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है यहाँ पे जॉब मिल जाए और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो सैलरी से ज्यादा है कि हम सैलरी की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कोर्स को करने के बाद। अगर आप किसी भी कोर्स को करते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने कोर्स कर तो लिया, लेकिन क्या मैं इस कोर्स को करने के बाद मेरे को एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, क्या मेरी एक अच्छी मतलब लाइफ अच्छी कट सकती है, क्या मैं एक अच्छा मतलब एक होता है ना कि आपका जब भी आप कोई कोर्स कर लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं इस कोर्स को करने के बाद मैंने इस कोर्स में इतना पैसा लगाया है। सोचो आपकी आपने ये कोर्स को प्राइवेट से करा, ठीक है, प्राइवेट में आपका कम से कम मिनिमम नहीं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो सकता है। तो आप ये सोचेंगे कि यार क्या मैं इस कोर्स को करने के बाद 5 से 6 लाख रुपए निकाल सकता हूँ इस कोर्स से या नहीं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको सैलरी जाननी होती है कि किसी भी कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट कितनी हो सकती है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे सबके टैलेंट के ऊपर होता है कि आपको कितनी सैलरी दी जाती है। हो सकता है आपका कहीं दोस्त काम कर रहा है उसको 40,000 मिल रही हो और आपको 30,000 मिल रही हो, तो डिपेंड करता है कि आपके टैलेंट के ऊपर, टैलेंट कितना है आपके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपकी यहाँ पे 3 से 3.5 लाख रुपए हो सकती है पर ईयर की। अगर पैकेज पर ईयर का पैकेज बता रहा हूं मैं, ये अप्रोक्सीमेट पैकेज है, कोई आपको मतलब मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये इतना मिलेगा ही आपको। ये आपका एक एस्टिमेट होता है कि आपको 3 लाख से 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे पर ईयर में। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आपके आप कितने काम कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो एक कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि कंप्यूटर फील्ड में इतना पैसा है कि आपका किसी फील्ड में इतना पैसा नहीं है। आप यहाँ पे इस टाइम पे यूट्यूब से कमा सकते हैं, आपने वेबसाइट बना ली अगर कोई तो आप वेबसाइट से कमा सकते हैं, आपको एफिलिएट मार्केटिंग होती है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें होती हैं यार। देखो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज चल रही होती है, आप इस कोर्स को करने में बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई कोर्स समझ नहीं आ रहा है और आपको कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपको क्या किस तरह से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका इस वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, तो प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी इंडेक्स वीडियो, तब तक के लिए।